हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। अब देखो एग्जांपल 8, ये क्या है, एग्जांपल 7 की तरह ही है हमारा एग्जांपल 8। देखो क्या लिख रहा है, शो दैट 1.27 यानी कि 1.27 बार, यानी कि यहां पर 27 ही जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेट, मैंने कहा जो वैल्यू होती है पहले से x के इक्वल रखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1.27 यहाँ तक की बात समझ में आ गया। इसके बाद मैंने कहा अगर एक नंबर रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, दो नंबर होते हैं 100 से, तीन नंबर होते हैं 1000 से। यहाँ बताओ कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो किससे करेंगे, 100 से। अब यहाँ पर मैंने 100 से किया 100x और यहाँ पर किया, तो ये पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ लग जाएगा, दो प्लेस यानी कि यहाँ पर टू जो प्लेस हैं दो प्लेस हटके यहाँ, तो 127.2727 ये आ गया। अब 100x ऐसी लिखो, अब इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो, तो मैंने क्या कहा था, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को क्या करो, लेस करो। देखो नीचे वाली वैल्यू में से मैंने ऊपर वाली वैल्यू लेस करी तो कितना है 126, तो मैंने लिखा 126 और प्लस प्लस किसके क्या किया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब 100x 126 ये वाली वैल्यू किसके इक्वल थी, x के इक्वल थी, ये लिखा। ठीक है, अब इसे ये x है यहाँ पर, तो 100x माइनस x तो 99x 126, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 14 अपॉन 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 14 अपॉन 11, यानी कि आपने 1.27 बार था इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखना था, आपने ये लिख दिया। आगे आपको समझ में, इसी तरीके से खत्म होता है आपका एग्जांपल 8।